चलिए अब खाते हैं गाजर का हलवा। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने पापा के लिए सरसों का साग और रोटी। तो चूल्हे पे बना रहे हैं, ये देखिए सरसों का साग बन रहा है चूल्हे के ऊपर गर्मा गर्म, और इसके बाद बनानी है रोटी। पापा जल्दी करो। और मेरी बेटी को हो गया बहुत जबरदस्त वाला जुकाम, तो बार बार नाक पोंछ पोंछ के उसकी हालत खराब हो गई। शो ये, लेट मी क्लीन फुल, कम हियर डर्टी गर्ल। बच्चों का जुकाम भी ना जल्दी जल्दी जाता नहीं है अगर लग जाए तो। खेल रही है बाहर, और देखो एक लड्डू वहां पे खेल रहा है हमारा लड्डू छोटा सा। हेलो लड्डू, मनी मनी मनी, हे मनी, इधर देखना मनी। मनी लगा अपनी साइकिल चलाने में। ओ क्यूटी पाई, हेलो हेलो। और एक यहाँ पे भी है हमारी छोटी पाई। आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो? साइकिल चला रहे हो बच्चे? प्ले स्लोली स्लोली, ओके, देन कम इनसाइड। दादू जी, दादू जी, हाउ इज द योर ब्रेकफास्ट? यू लाइक योर ब्रेकफास्ट? यस। व्हाट यू ईट इन ब्रेकफास्ट टुडे? इन द चपाती एंड बलून मस्टर्ड, मस्टर्ड साग, चपाती एंड मस्टर्ड साग। आर यू जंपिंग? Good. Oh, is it a fun? It was like a trampoline. वो नहीं होता जो एक वो काला सा नीचे होता है उसके ऊपर जंप करते हैं लोग, वही। तो अभी बन रही है हमारी यहाँ माँ चने की दाल, काली पीली दाल। तो दाल हमारी बन के रेडी हो गई है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। तो पापा आए, नई नई चीजें बनेंगी, बहुत टेस्टी और काफी इंजॉय। मतलब कोई आता है तो यार कुछ बनाने का और खाने का मजा भी आता है। बेबी व्हाट यू आर डूइंग? आई नीड कैरेट। आई एम द रेफरी ऑफ ऑल द पीपल। ओह, यू आर द रेफरी ऑफ ऑल द पीपल्स। यस, दैट्स नाइस। थोड़ा सा घी डाला है और 2 चम्मच के करीब घी डाल के उसमें मैंने ये जो ग्रेटेड गाजर है ये डाल दी है। अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे, जब तक ये पूरा सॉफ्ट हो जाता है अच्छे से, तब तक इसको हम इस तरह चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे ढक्कन से ढक ढक के। तो जब ये पूरा सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें आगे सामान डालेंगे जो भी डालने वाला होता है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। और निकल जाए यार, धीरे 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 धीरे, ये वाह, कलर भी जबरदस्त है और अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है। आई थिंक अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, बट थोड़ी देर में इसको और करूंगी और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध। ये देखिए सॉफ्ट हो गया है, लेकिन थोड़ी देर और कर लेते हैं। चलिए ये अच्छे से हो गया सॉफ्ट, अच्छे से जितना हमको इसको करना था। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है दूध, तो अभी थोड़ा दूध डाला है, थोड़ा बाद में डालूंगी, पहले इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं। थोड़ा सा दूध और डाल देते हैं, अब इसको होने देंगे बॉईल अच्छे से। वाह, क्या घी की परत आई है यार ऊपर ऊपर, मस्त गाजर का हलवा बनने वाला है। बस इसको अच्छे से बॉईल करना अब हमने, और जब ये पूरा अच्छे से पक जाएगा फिर डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स, शुगर, जो भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। पापा आप बैठे हो कौन सी चेयर पे हो, टूट जानी। अच्छा कैसा लग रहा है आज पापा के साथ खाना खा के? हाथ के साथ बताओ ना, हाथ के साथ। वाह वाह वाह, पापा आपको कैसा लग रहा है इनके साथ खाना खा के? अच्छा लग रहा है या गंदा लग रहा है? बहुत अच्छा। चलो ठीक है, चलो माँ चने की दाल और चावल का टेस्ट आया ठीक है, वेरी वेरी फाइन, ओके। हेलो, ओ भाई क्या चल रहा है कुशागरी, व्हाट यू आर डूइंग? आई एम पुलिंग द डॉग। हाउ मेनी हॉर्न्स इन योर हेड, काउंट देम। व्हाट,
I don't know how more of them. How many horns you have? Count them. One. Let's look in the mirror and see. One, two, three, and four. Back side four. One, two, three, and four. Yes. Bachis, you come here. Who is winning, bache? Referee, who is winning? I don't know. They're still playing. Then, what do you think? Who will win the game? Mama, is the board clear? Yeah. Yes. But that would be more faster. That would be more faster? Yes. Okay. Just do it slowly, Baba. I did my guess right. दादू जी वॉन्ट बच्चे सिर्फ दादू जी ना शॉर्ट दादू जी अब खेल रहे हैं हमारा छोटा सरदार लेट्स प्ले थ्रो इट ये आई विन यस यस यू विन लेट्स गो पिक इट अप अगेन कुशाग्री पिक इट अप एंड थ्रो आज हमारा चल रहा है गेम यहाँ बैडमिंटन का अभी हम लोग थक गए पसीना आ गया बहुत और अभी पापा और बेटी दोनों खेल रहे हैं ये है हमारा पार्क हमारे घर के बाहर यहाँ घूमना बड़ा अच्छा लगता है शाम के टाइम पे बड़े सारे बच्चे यहाँ खेल रहे होते हैं दोनों साइड्स पे जानवर यहाँ घूम रहे होते हैं चर रहे होते हैं ये देखिए यहाँ पे हमारे जानवर जो है ये चर रहे हैं और उधर छोटे छोटे बच्चे ना कराटे सीख रहे हैं चलिए आपको दिखाते हैं ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ कराटे सीख रहे हैं अभी हम भी अपनी कुशाग्री को छोड़ेंगे यहाँ 3 इयर्स का बच्चा लेता है ये तो चलिए देखते हैं हम कब तक छोड़ेंगे यहाँ पे साथ में यहाँ कुत्ते भी घूम रहे हैं ये सुस्ता रहा है यहाँ पे हेलो नींद आ रही है सुस्ता क्यों रहा है यहाँ पे चंगा आदमी है तो चला आजा तो यहाँ पे हमारी गाय वाय जो है वो अपना खाना भोजन कर रही है अभी देखो अभी हमारी गेम थी अभी पापा और बेटा दोनों खेल रहे हैं वाह 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 क्या गेम चल रही है तो यार ये मज़े ना ज़िंदगी में सिर्फ साथ रह के ही मिलते हैं अकेले अकेले में नहीं मिलते तो अभी हमारे जो फादर इन लॉ है वो आए हुए हैं सो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं अच्छा लग रहा है उनके साथ कभी मैं घूमती रहती हूँ कभी कुछ खेलते रहते हैं कभी कुछ खाते पीते रहते हैं तो अच्छा लगता है हर चीज़ को ना इंजॉय करने को मज़ा आता है जब ज़्यादा लोगों को ना तो दूर है अब ना मंजूर है कोई मेरी तरह तेरा जिक्र भी करे तो इस स्टेज पे हमारा गाजर का हलवा पहुंच गया है आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है तो घी अभी तक का मतलब घी जो बड़ा ज्यादा निकलता है ना गाजर के हलवे से वो आप जितना ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा निकलेगा तो बाकी मैंने सिर्फ 2 चम्मच घी डाल के ये गाजर का हलवा बनाया है साथ में चीनी कितनी डालू थोड़ी डालू गाजरें मीठी बड़ी है ना ओए तो देखिए हमारा एकदम टेस्टी वाला गाजर का हलवा बन के रेडी है फ्रेंड्स आइए आपको भी इनवाइट करते हैं हम गाजर के हलवा खाने के लिए और ड्राई फ्रूट्स मैंने डालूंगी बिकॉज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट्स गाजर के हलवे में आप भर भर के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और 2-3 चम्मच घी यहाँ डाल के इसको अच्छे से चला के तो फिर अच्छे से आप खा सकते हैं तो मैं थोड़ा सा ना घी और ड्राई फ्रूट्स दोनों चीज़ों से दूर रहती हूँ तो मैं थोड़ा ना घी और ड्राई फ्रूट्स ये वाला घी और ड्राई फ्रूट्स ये 2 चीज़ें मैं थोड़ा सा कम पसंद करती हूँ इसलिए मैं गाजर का हलवा इस तरह ही बनाती हूँ खोए वाला गाजर का हलवा भी बहुत बार बनाया है बट पता नहीं क्यों यार मुझे ना दूध वाला गाजर का हलवा खोए वाले से ज्यादा अच्छा लगता है और खोए वाला भी ऐसे ही है बस इस स्टेज पे आप खोया डाल दो और खोए को चला दो बीच में ड्राई फ्रूट्स घी 2-3 चम्मच घी डाल दो और बस इसको अच्छे से चला के बना दो लेकिन खोए वाला मुझे लिटिल बिट लेस पसंद दैट्स व्हाई मैं दूध वाला बनाती हूँ तो चलिए अब खाते हैं गाजर का हलवा टेस्ट इट एंड देन अमेजिंग टेस्ट है यार अमेजिंग पता है मजा आ गया वाओ
पापा बोल रहे हैं मेरे को करनी है शॉपिंग, पापा और मैं जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। ठीक है पापा, क्या खरीदना आपने? और हमारी क्यूटी पाई चढ़ी हुई दादा के ऊपर। बैग लगा के जा रहे हैं हम, सामान बैग में लेके आएंगे। डू बाय बाय दादू जी, आल्सो डू बाय बाय दादू जी, बाय बाय करो ना। चलो लेट्स गो। दे आर फ्लाइंग। मेरा एंटीना देखो, एंटीना, ये हमारा एंटीना है, इसके ऊपर चार पांच एंटीना लगे होते हैं सर के ऊपर।